गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स कोर्स में इंडियन हिस्ट्री के पेपर BHIC 133 द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707 इस मौजू पर आज के डिस्कशन में आप सबका इस्तकबाल है। आपको ख्याल होगा कि हम लोगों ने इसके पहले मुग़ल बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में गुफ्तगू की है। आज हम लोग शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में बात करेंगे और इस तरह जो छः अजीम मुग़ल बादशाह हुए, जो सिक्स ग्रेट मुग़ल्स हैं, उनकी तारीख का हम लोग मुताला आज पूरा करेंगे। अकबर के ज़माने में आपने देखा कि एक वसी सल्तनत कायम हुई, एक बड़ा एम्पायर बना। फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह जहांगीर के ज़माने में उस एम्पायर की जो हदें थीं वो उसी अंदाज में बनी रहीं, सिवाय एक नुकसान के कि कंधार पर ईरानियों ने कब्ज़ा कर लिया। अब शाहजहां के दौर में कुछ और नई बातें आईं। एक तरफ तो सल्तनत की सरहदें आगे बढ़ीं, किन दूसरी तरफ कुछ मसले भी जाहिर हुए। शाहजहां की हुकूमत आप जानते हैं कि 1627 से 1657 के दरमियान रही। उसके दौर को सियासी और ख़ास तौर पर सकाफती और किसी हद तक माशी एतबार से भी एक अहम दौर माना गया है। शाहजहां ने जो सबसे अहम काम किया सल्तनत की तौसी के सिलसिले में वो ये था कि उसने दक्कन में अपनी सल्तनत को और आगे बढ़ाया। फिर उसने शुमाल मगरबी सरहद पर हमले किए और उस इलाके में जो अफ़गान थे, अफ़गान कबीले थे, जो बराबर बगावत करते रहते थे और जिनमें रोशनाई फ़िरका काफ़ी ज़्यादा सरगर्म था, तो अफ़गानों की उस बगावत को शाहजहां ने बहुत हद तक काबू में रखा और शहाबुद्दीन या और दूसरे जो अफ़गान सरदार थे उनकी बगावत की उसने सरकोबी की, उन बगावतों को उसने क्रश कर दिया, कुचल दिया और शुमाल मगरबी सरहद पर मुग़लों की हुकूमत मुस्तहकम बनी रही। फिर शाहजहां ने कंधार पर भी हमला किया और 1638 के आसपास कंधार को उसने दोबारा जीत लिया। ये बड़ी कामयाबी थी उसकी। जहांगीर के ज़माने में ईरान ने कंधार को फतह कर लिया था, शाहजहां ने उसको दोबारा हासिल किया और इससे और हौसला पाकर शाहजहां ने एक नए इलाके में भी फौजी कार्रवाई शुरू की, फौजकुशी की, और ये इलाका था वस्त एशिया। वस्त एशिया या सेंट्रल एशिया में उस ज़माने में बल्ख और बदख्शां ये दो अहम रियासतें थीं और यहाँ अंदरूनी खलफशार की कैफियत थी। जो शहजादा था उसने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी थी और नज़र मोहम्मद ने, जो वहाँ का बादशाह था या सुल्तान था, उसने शाहजहाँ से मदद मांगी और उस सूरत हाल में मुग़ल फ़ौज बल्ख और बदख्शां के लिए रवाना हुई। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि नज़र मोहम्मद ने मुग़लों का साथ छोड़ दिया और उज़्बेगों की पनाह में चला गया और उज़्बेग
बल्ख की सरहद के करीब आ पहुंचे। सूरत हाल काफ़ी नाजुक रही और आखिरकार मुग़ल फ़ौज को वापस लौटना पड़ा और मुग़लों की वापसी के बाद बल्ख और बदख्शां फिर एक मरतबा नज़र मोहम्मद के कब्ज़े में आ गए। अक्सर शाहजहां की तनकीद की जाती है कि उसने एक बड़ी फ़ौजी मुहिम वस्त एशिया में की, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं हुआ, कोई इलाका वो नहीं फतह कर सका, बल्कि जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। और एक और नुकसान ये हुआ कि जब मुग़ल फ़ौज वापस लौट रही थी वस्त एशिया से, काफ़ी नुकसान पहुंचा था मुग़लों को उस लड़ाई में, तो जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो कंधार पर दोबारा ईरान ने कब्ज़ा कर लिया और 1648 में कंधार फिर एक बार ईरानियों की हुकूमत में शामिल हो गया। तो गोया वस्त एशिया के मामले में शाहजहां को कामयाबी हाथ नहीं लगी। कंधार की फतह भी बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रही, एक तरह से टेम्पररी, एक वक्ती कामयाबी थी, और वस्त एशिया में तो खैर कोई कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि शाहजहां ने जो बल्ख और बदख्शां में मदाखलत की उसका असर उज़्बेगों पर पड़ा। उज़्बेग बाबर के ज़माने से मुग़लों के मद्दे मुकाबिल रहे थे, अकबर के ज़माने में भी उन्होंने अकबर के लिए परेशानियां खड़ी की थीं, तो ये अंदेशा था कि अगर बल्ख और बदख्शां में उज़्बेगों का कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर वो काबुल पर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, काबुल तक बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो शाहजहां ने इस तरह से एक साइंटिफिक फ्रंटियर वस्त एशिया में कायम कर दिया, यानी एक ऐसी सरहद उसने बना ली जो जग्राफियाई हालात के मुताबिक थी और जिससे आगे उज़्बेगों के लिए बढ़ना मुश्किल था। तो इस तरह से काबुल की हिफाजत का उसने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया और उस हद तक ये मुहिम उसकी कामयाब रही, जुज़्वी तौर पर ही, पार्शियली ही सही, मगर ये कामयाबी ज़रूर मिली। हाँ, बराह रास्त कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई नया इलाका फतह नहीं हो सका। दक्कन में शाहजहां की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तीन रियासतों से शाहजहां का मुकाबला होता है या शाहजहां उन पर हमला करता है। पहली रियासत थी अहमदनगर। अहमदनगर की तारीख हम पहले भी देख चुके हैं, मलिक अंबर ने जिस तरह जहांगीर के लिए परेशानियां खड़ी की थीं उससे हम लोग वाकिफ हैं। शाहजहां ने अहमदनगर को 1632 में मुग़ल सल्तनत में शामिल कर लिया। अब ये बड़ा अहम फैसला था क्योंकि इससे अकबर की जो अब तक हिकमत अमली रही थी, जो पॉलिसी रही थी, उसे बदल दिया गया। अकबर ने अहमदनगर पर कामयाबी या फौजी फतह हासिल करने के बावजूद उसको मुकम्मल तौर पर मुगलिया सल्तनत में नहीं मिलाया था। गालिबन अकबर ये चाहता था कि दक्कन में मुगलिया सल्तनत की तौसी एक मुनासिब हद के अंदर रहे, तो अहमदनगर को उसने एक ऐसे बफर स्टेट के तौर पर, एक ऐसे स्टेट या एक ऐसी सल्तनत के तौर पर बनाए रखना चाहा था जो दक्कन के जो दूर दराज के सल्तनतें थीं, बीजापुर और गोलकुंडा, उनमें और मुग़ल सल्तनत के बीच एक तरह का बफर या एक तरह का एक दाखली एक ऐसा इलाका हो जो दोनों के बीच हायल हो। इससे बीजापुर और गोलकुंडा से बराह रास्त जंग का इम्कान नहीं रहता। लेकिन मसला ये था कि अहमदनगर में मलिक अंबर ने जो मज़ाहमत जारी रखी थी उसकी वजह से अहमदनगर को एक बफर स्टेट बनाए रखने की हिकमत अमली कामयाब नहीं हो रही थी। जहांगीर ने कोशिश की थी मगर वो ऐसा बहुत कामयाबी से नहीं कर पाया। इसलिए शाहजहां ने तय किया कि वो बीजापुर के और गोलकुंडा के जो सल्तनतें हैं वहां तक अपनी हुकूमत का एक्सपेंशन कर लेगा,
अपनी सरहदें वहां तक फैला देगा, चुनांचे अहमदनगर पर उसने कब्जा कर। अब यह हुआ कि बीजापुर और गोलकुंडा से मुगलों की सरहद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए, बिल्कुल दोनों में एक सीधा ताल्लुक बन गया। और तब बीजापुर और गोलकुंडा पर भी शाहजहां ने कार्रवाई की और यहाँ के जो सुल्तान थे उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुगलों के साथ सुलह कर लें। सुलह के मुताबिक इन दोनों सुल्तानों ने मुगल बादशाह की बरतरी, उसकी सुजरेंटी तस्लीम कर ली और नजराना देने का वादा किया। इसके बाद हम लोग अभी बात कर रहे थे कंधार और वस्त एशिया की, शाहजहां का जो इंटेंशन था या शाहजहां का जो अटेंशन था वो उस जानिब हो गया और दक्कन में फिर मुगलों ने कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं की। यहाँ तक हालात काफी मुनासिब लग रहे थे, काफी बेहतर लग रहे थे मुगलिया सल्तनत के लिए, लेकिन इस बीच में कुछ नई बातें और हुई। और हुआ ये कि 1657 में शाहजहां बीमार हो गया और उसके बीमार होने की खबर कुछ इस तरह फैली कि लोगों के दिल में ये शक हो गया कि शाहजहां की मौत हो गई और ये खबर अवाम से छिपाई जा रही है। अब शाहजहां के चार बेटे थे, सबसे बड़ा दारा शिकोह था, उसके बाद शुजा था, औरंगजेब था और मुराद था। ये चारों मुगलिया सल्तनत के चार हिस्सों में उस वक्त गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे। दारा पंजाब का सूबेदार था मगर अपने वालिद के साथ, शाहजहां के साथ दिल्ली में रह रहा था। आपको याद होगा कि शाहजहां ने आगरा से हटाकर दारुल हुकूमत को दिल्ली में कायम कर दिया था और उसी ज़माने में जो दिल्ली की बड़ी इमारतें हैं, जामा मस्जिद और लाल किला और चांदनी चौक, ये सब उसी ज़माने में बनी थी जब दारुल हुकूमत दिल्ली लाया गया था। बहरहाल दारा दिल्ली में था, शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था। अब इन चारों भाइयों में ख़ास तौर पर औरंगजेब और दारा में बड़ी राइवलरी थी, मुसाबकत थी, तख्त पर कब्जा करने की ख्वाहिश थी। और जब ये अफवाह फैली कि शाहजहां की मौत हो गई है तो इन सभी भाइयों ने, ये सभी शहजादे अपने अपने तौर पर तख्त पर कब्जा करने की कोशिश में लग गए और एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई जिसको आमतौर पर लोग वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं, विरासत की जंग कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी, क्योंकि बादशाह तो मौजूद था तो विरासत का सवाल कहाँ था। सक्सेशन तो तब होता जब एम्परर नहीं रहता, द एम्परर वाज वेरी मच अलाइव, तो ये खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी और इसमें इन सभी भाइयों ने आपसी कश्मकश के जरिए सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की और इसमें औरंगजेब कामयाब रहा। अब ये जो आखिर का दौर था शाहजहां की हुकूमत का और ये जो खाना जंगी हुई और शाहजहां औरंगजेब के हाथों उसकी डिफीट हुई, उसकी शिकस्त हुई, औरंगजेब ने उसको एक तरह से सियासी कैदी बना दिया, ज़िंदगी के आखिरी दिन शाहजहां को आगरा के किले में गुजारने पड़े, तो इन सब बातों से जो अकबर के दौर से मुग़ल बादशाह का एक रोब और दबदबा बना हुआ था वो कमज़ोर पड़ने लगा। ये पहला ऐसा मौका था कि बादशाह को जंग में शिकस्त हुई थी और ज़िंदगी में ही उसको तख्त से हटा दिया गया था, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में अब ये यकीन ख़त्म हो गया कि मुग़ल बादशाह को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो जो हिंदी में कहते कि अजय है, इनविंसिबल है, वो तसव्वुर अब ख़त्म हो गया और इसलिए औरंगजेब को अपनी हुकूमत के दौर में कई बगावतों का सामना करना पड़ा। अब इनके बारे में दो तीन बातें हैं जो आपको जहन में रखनी होंगी। पहली बात यह है कि एक बड़ा हल्का रहा है मौर्रखीन का
जो इन तमाम बगावतों को औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी यानी मजहबी मामलों में उसकी जो हिकमत अमली थी, गैर मुस्लिम रियाया के साथ उसके जो ताल्लुकात थे, उससे कई मौरखीन ने इन बगावतों को जोड़ा है। यानी इन बगावतों का सबब वो औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी को मानते हैं, मजहबी पॉलिसी को मानते हैं। और ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब एक फैनेटिक था, एक ऐसा हुक्मरान था जो मजहब के मामले में रवादारी नहीं रखता था, और उसने बहुत सारे ऐसे अहकाम सादर किए जिससे हिंदुओं को तकलीफ हुई, और इसकी वजह से उनमें एक रद्द अमल, एक रिएक्शन हुआ, और उन्होंने औरंगज़ेब की मुखालफत शुरू कर दी। चुनांचे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर कई ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत की। इनमें बुंदेले, बुंदेलखंड के जो छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने बगावत की, और ये बगावत औरंगज़ेब की हुकूमत क्या शुरू तो होती है 1661 में, लेकिन रह रहकर शोरिश का मामला बना रहा, और औरंगज़ेब की हुकूमत के इख्तिताम तक बुंदेलखंड में एक बदम नहीं रही। दूसरा जो मामला था वो अफगानों का था, मगर ये ध्यान रखिएगा कि अफगान मुसलमान थे, इनको मजहबी मामले में औरंगज़ेब से कोई मसला नहीं था। अफगानों ने कई बार मुगलों के खिलाफ पहले भी बगावत की थी, औरंगज़ेब के ज़माने में भी की। ये सिलसिला 1667 में शुरू हो गया था, और इसका जो एक तरह से क्लाइमेक्स था वो खुशहाल खां खटक के ज़माने में आया। अफगानों का वो बड़ा मशहूर लीडर था, आयत था, और आज भी अफगानों के बीच उसकी कहानियाँ, उसके किस्से बहुत मकबूल हैं। लेकिन औरंगज़ेब ने अफगानों को शिकस्त दी और काबुल पर उसका कब्ज़ा बना रहा। फिर दिल्ली और आगरा के करीब का जो इलाका था वहाँ जाट लोगों ने बगावत कर दी। 1669 में ये सिलसिला शुरू हुआ, और ये भी औरंगज़ेब की मौत तक जारी रहा। बीच में मुग़लों को कामयाबी भी मिली, अमन अमान कायम हुआ, लेकिन फिर दोबारा बगावत हो गई। तो इस तरह से ये सिलसिला भी औरंगज़ेब की मौत तक चलता रहा। इसी बीच 1672 में एक और बगावत हुई, ये सतनामियों की बगावत थी। सतनामी भी जाट ही थे, मगर उनके मजहबी ख्यालात कुछ अलग थे, और सतनामियों की बगावत में काफ़ी खूनरेजी हुई। उन्होंने भी मुसलमानों पर बहुत तरह के जुल्म ढाए, और फिर मुग़ल फ़ौज ने भी उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, लेकिन इस बगावत का जल्दी ही खात्मा हो गया। फिर एक और बड़ी बगावत पंजाब में हुई, सिखों की बगावत। ये 1675 में शुरू होती है, लेकिन इसका एक पस मंज़र था। सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो शुरू में मुग़लों के साथ थे, और जब असम की फतह के लिए राजा राम नारायण ने फौजकशी की तो गुरु तेग बहादुर उनके साथ थे, और यही वजह है कि उस रास्ते में जाते हुए पटना में वो रुके। चूँकि उनकी जो अहलिया थी, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, वो माँ बनने वाली थी, और यही वजह है कि आप इस बात को जानते हैं कि जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी पैदाइश पटना में ही हुई। तो खैर, बंगाल से होते हुए असम तक मुग़ल फ़ौज गई, लेकिन असम से जब ये फ़ौज वापस हुई और गुरु तेग बहादुर पंजाब की तरफ लौटे, तो जम्मू के इलाके में काफ़ी शोरिश थी। वहाँ के जो मकामी हुकुमरा थे, ज़मींदार थे, उनसे मुग़ल सूबेदार से जंग हो रही थी, और गुरु तेग बहादुर ने उनकी क़यादत की। कई लड़ाइयाँ हुईं, गुरु तेग बहादुर गिरफ़्तार हुए और उनको कत्ल कर दिया गया।
दिल्ली में उनको मौत की सजा सुनाई गई और उनको कत्ल कर दिया गया। इससे जाहिर है कि सिखों में बहुत शदीद रद्द अमल हुआ और कई जगह पर बगावतें शुरू हो गई। इसी जमाने में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को कायम किया और ऐसे जंगजू, ऐसे वॉरियर्स को तैयार किया जो मुगलों से लड़ने के लिए पूरी तरह कमिटेड थे। उनकी ज़िंदगी इसी के लिए वक्त थी कि वो मुग़ल स्टेट के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। तो लड़ाइयाँ हुई, इसमें कुछ अफसोसनाक बातें भी हुई। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे तो जंग में मारे गए, दो का कत्ल कर दिया गया। तो ये एक अफसोसनाक पहलू रहा, मगर इसको भी जहन में रखना चाहिए कि 1707 तक, औरंगज़ेब के मरने की कुछ पहले, गुरु गोविंद सिंह में और औरंगज़ेब में मुआहिदा हो गया था और गुरु गोविंद सिंह औरंगज़ेब से मिलने के लिए दक्कन जा रहे थे जब उनके रास्ते में उनका कत्ल कर दिया गया। एक अफगान ने उनका कत्ल कर दिया, नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, आप जानते होंगे, नांदेड़ में उनका कत्ल हो गया। और उसके बाद फिर एक समझिए कि एक कंट्रोवर्सी सी रही है। आई एम सॉरी, एक चीज़ आपको और क्लैरिफाई कर दें, औरंगज़ेब से उनकी मुलाकात हो गई थी और औरंगज़ेब के बाद जो जंग हुई, ये हमने पहले जो आपसे कहा कि रास्ते में उनका कत्ल कर दिया गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, औरंगज़ेब से उनकी मुलाकात हुई थी, सुलह हो गई थी और उसी वक्त औरंगज़ेब की मौत हो गई। औरंगज़ेब के बेटों में फिर एक बार विरासत की जंग शुरू हो गई और बहादुर शाह जो बाद में कामयाब भी रहा, उसका नाम वैसे मुअज़्ज़म था, बाद में बहादुर शाह कहलाया, तो मुअज़्ज़म का साथ दिया था गुरु गोविंद ने। और मुअज़्ज़म की कामयाबी के बाद जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में उनका कत्ल हो गया था। बारह, तो ये क्लैरिफिकेशन आप जहन में रखिएगा। अब इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के कत्ल के बाद फिर बड़े पैमाने पर सिखों की बगावत हुई और इस बार उसकी क्यादत किया बंदा बहादुर ने। मुगलिया सल्तनत में उस वक्त तक काफ़ी परेशानियां आ चुकी थी, बहुत सारी बगावतें हो गई थी, दक्कन में शिवाजी के साथ लड़ाइयां शुरू हो गई थी, इसलिए बंदा बहादुर को शुरू में काफ़ी कामयाबी मिली और उसने कई जगह पर कब्जा कर लिया। सरहिंद में उसने अपनी रियासत कायम कर ली। कुछ अरसा बाद फर्रुखसियर के ज़माने में, बहादुर शाह के बाद थोड़े से अरसे के लिए जहांदार शाह बादशाह हुआ, उसके बाद फर्रुखसियर बादशाह हुआ, तो फर्रुखसियर के ज़माने में 1714 के आसपास बंदा बहादुर को शिकस्त हुई, गिरफ्तार हुआ और उसको मौत की सजा दी गई। ये एक अलग वाकया था। मराठों के साथ औरंगज़ेब की लड़ाई 1660 में ही शुरू हो गई थी जब शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच लड़ाई तकरीबन ख़त्म हो गई थी और शिवाजी ने 1659 में बीजापुर की फ़ौज को, अफजल खां की क़्यादत में फ़ौज थी, उसको बहुत बुरी तरह शिकस्त दे दी थी। इसके बाद औरंगज़ेब ने दक्कन में शिवाजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली और 1664 में शिवाजी ने पहली बार मुगलिया सल्तनत में दाखिल होकर सूरत के शहर को लूट लिया। अब एक फ़र्क को जहन में रखिएगा कि अभी इससे पहले 1664 से पहले जो कार्रवाइयाँ हो रही थी वो मुगलिया सल्तनत के सरहद के बाहर थी, बीजापुर के इलाके में, लेकिन पहली बार मुग़ल सल्तनत की सरहद में दाखिल होकर और सूरत को, जो बहुत ही अहम शहर था, तजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था, बहुत दौलत थी वहाँ, शिवाजी ने उस पर हमला किया और कामयाब रहा और बहुत पैसा उसने वहाँ से हासिल किया। इसके बाद औरंगज़ेब ने ज़्यादा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दक्कन भेजा गया और जय सिंह ने 1665 में शिवाजी को मजबूर कर दिया कि वो सरेंडर कर दें। सुलह हुई, पुरंदर की संधि या ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत सुलह हुई और शिवाजी ने औरंगज़ेब की बर्तरी मान ली और औरंगज़ेब ने भी शिवाजी के बेटे को, शंभाजी को, 5000 का मनसब दिया और दोनों को, शिवाजी और शंभाजी को, दरबार में हाजिर होने के लिए आदेश दिया, हुक्म दिया। शिवाजी और शंभाजी दिल्ली पहुंचे लेकिन औरंगज़ेब से
उनमें कोई आपस में एक दूसरे पर कोई यकीन नहीं था, दोनों में बेएतमादी की कैफियत थी, तो कोई बातचीत से नतीजा नहीं निकल सका और औरंगजेब ने शिवाजी को और शंभाजी को गिरफ्तार कर दिया। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस तरह शिवाजी और शंभाजी वहाँ से कामयाब निकल रहे वापस अपने इलाके में आए। और शिवाजी ने 1670 से 1665 से 70 तक मामला थोड़ा खामोश रहा, लेकिन 1670 में शिवाजी ने फिर बड़े पैमाने पर मुगलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसे काफ़ी कामयाबी भी मिली। और 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी सल्तनत कायम कर ली, यही मराठा स्वराज था। तो इस तरह शिवाजी के खिलाफ जंग में औरंगजेब को कामयाबी नहीं मिल सकी। और 1680 तक, 1680 में शिवाजी की मौत होती है, लेकिन उस वक्त मुगलों और मराठों में एक कश्मकश जारी थी। 1680 में हालात काफी बदल गए, और इस मायने कर बदल गए कि शिवाजी के मौत के बाद खुद शिवाजी के ही खानदान में विरासत के सवाल पर लड़ाई शुरू हो गई। जो ज्यादा अहम ग्रुप था वो शंभाजी का था, और शंभाजी ही छत्रपति बना। आप जानते हैं कि छत्रपति का जो ये लकब था, सब टाइटल था, वो शिवाजी ने अपने लिए अपनाया था, राजा के लिए वो छत्रपति का टाइटल इस्तेमाल कर रहा। छत्र आप जानते ही हैं, वो एक कैनोपी होती है, वो एक तरह के छाते की शक्ल की एक चीज़ होती है जो बादशाह के तख्त के ऊपर उसके सर के मकाम से ऊपर बनी रहती है, वो उसके इख्तदार का एक सिंबल होता है, उसकी एक अलामत होती है। तो छत्रपति यानी जो छत्र को धारने वाला था, जो मालिक था उस कैनोपी का, तो अब छत्रपति राजा था, शंभाजी भी अब छत्रपति हो गया था। लेकिन मराठों में जो आपसी एक डिफरेंसेस थे, आपस में जो एक खाना जंगी की कैफियत थी, या आपस में जो तफरका था, तफरका का लफ्ज़ ज़्यादा सही होगा, तो जो तफरका था उससे औरंगजेब ने फ़ायदा उठाया और 1680 में उसने शंभाजी पर हमला कर दिया। शंभाजी अपनी रियासत के एक हिस्से में जाकर औरंगजेब के खिलाफ गिराबंद हो गया, लेकिन औरंगजेब यहां भी कामयाब रहा और बिलाखिर शंभाजी 1681 में गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद औरंगजेब ने शंभाजी को भी मौत की सजा दी। एक मामूल था, जो बगावत करते थे उनको मौत की सजा दी जाती थी, शंभाजी को भी सजा दी गई। लेकिन ये औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, इस माने कर कि शंभाजी के मर जाने के बाद अब ऐसा कोई हुक्मरान, ऐसा कोई राजा मराठों के बीच नहीं रहा जिससे वो बराह रास्त कोई मामला तय कर सके। अलग अलग मराठा सरदार अपने इलाकों में बगावत कर बैठे। वैसे बराए नाम उनका लीडर या उनका जो नेता था, जो कायद था, वो राजा राम था, ये शंभाजी का सौतेला भाई था। दोनों में शुरू में लड़ाई भी हुई थी। शंभाजी के कत्ल के बाद राजा राम मराठों का छत्रपति मान लिया गया, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं था और मुख्तलिफ इलाकों में जो मराठा सरदार थे वो बगावत पर उतर आए। अब इस बगावत पर औरंगजेब काबू नहीं पा सका, हालांकि वो खुद 1681 में दक्कन आ गया था, और वह तब से लेकर अपनी मौत तक 1707 तक वो दक्कन में ही रहा। औरंगाबाद को उसने अपना दारुल हुकूमत बनाया, अब तो उसका नाम भी बदल दिया गया, लेकिन औरंगाबाद वो मुगल डॉक्यूमेंट्स में आज भी है महाराष्ट्र में। तो वहाँ उसने अपनी हुकूमत कायम की, अपना कैपिटल बनाया, और फिर दक्कन में काफ़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी। यहाँ मसला उसके लिए ये हो गया था कि मराठों के अलावा उसको बीजापुर और गोलकुंडा के साथ भी जंग करनी पड़ी, उसकी तफसील अभी आपको हम बताएंगे। तो बैक वक्त इन तीनों से, एक तरफ मराठे, एक तरफ बीजापुर, एक तरफ गोलकुंडा, इन तीनों से बैक वक्त जंग करना औरंगजेब के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ।
और इसीलिए दक्कन में मुगलों को नाकामी देखनी पड़ी और दक्कन की इस मसले ने मुगलिया सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि ये मुगल सल्तनत के जवाल का एक सबब था, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। अब आइए आखिरी बगावत जो है राजपूतों की, ये 1679 में शुरू हुई थी। अब एक अहम बात आप ये याद रखिए कि औरंगजेब 1658 में खुद को बादशाह करार देता है, डिक्लेयर करता है, और तब से लेकर 1678 तक उसका राजपूतों से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। जो दो बड़े राजपूत राजा थे उस जमाने के, राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, दोनों औरंगजेब के साथ थे और इन लोगों ने औरंगजेब का साथ दिया था अफगानों के, जाटों के, सतनामियों के, मराठों के रिवोल्ट या उनकी बगावतों को नाकाम करने में। मगर 1678 के बाद राजपूतों से भी औरंगजेब के ताल्लुकात बिगड़ गए और उसकी वजह यह हुई कि मारवाड़ में उस वक्त राजा जसवंत सिंह था, उसकी मौत हो गई थी और उसके मरने के बाद कौन उसकी हुकूमत का वारिस होगा ये तय नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त उसको कोई औलाद नहीं थी। मगर उसकी दो बीवियां थीं, दोनों ही माँ बनने की हालत में थीं, और जसवंत सिंह के मरने के वक्त औरंगजेब ने मारवाड़ पर कब्जा कर लिया, उसको खालसा में बदल दिया। अब दो बेटों का अलग अलग बर्थ हुआ, पैदाइश हुई, एक की मौत हो गई, एक जिंदा रहा। और अब राजपूतों ने खासतौर पर जो उनका वफादार सरदार था दुर्गादास, उसने ये मुतालबा रखा कि अजीत सिंह को, इस बच्चे का नाम अजीत सिंह था, इसको अब मारवाड़ का राजा मान लिया जाए और जसवंत सिंह की गद्दी उसको सौंप दी जाए। औरंगजेब ने इससे इनकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर उसकी जो मजहबी असबियत थी उसकी वजह से उसने इनकार किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये मामला इंतजामी उमूर का था, एक अलग बहस है, हम लोग इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन बहरहाल राजपूतों ने भी 1679 में बगावत कर दी और ये बगावत भी औरंगजेब की मौत तक रह रहकर जंग की सूरत में चलती रही। अब दो बातें हैं जो हमको जहन में रखनी है। एक कि औरंगजेब की मौत जब हुई 1707 में तो ये सारी बगावतें खत्म हो चुकी थी और औरंगजेब की जो सल्तनत थी उसमें एक इंच भी औरंगजेब के हाथ से जमीन बाहर नहीं गई थी, मराठा स्वराज उसके कब्जे में था। इसलिए औरंगजेब की जो सल्तनत थी वो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे वसी सल्तनत थी। कहीं भी कोई नया आजाद राजा या कोई हुक्मरान अपनी सल्तनत कायम नहीं कर पाया। मगर दूसरी बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो बगावतें होती रहीं, दक्कन में जो जंगें होती रहीं, उन सब की वजह से मुगलिया सल्तनत में काफ़ी इंतशार की कैफियत आ गई, मरकजी हुकूमत कमज़ोर हो गई, जो शाही खजाना था उस पर बहुत बोझ पड़ा, जो फौजी ताकत थी उस पर भी असर पड़ा लगातार जंगों की वजह से। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इन बगावतों से मुगलिया सल्तनत यकीनन कमज़ोर हुई। अब दक्कन के बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर लें। औरंगजेब ने शुरू में ये कोशिश की थी कि बीजापुर और गोलकुंडा के साथ जो मुआहदे शाहजहां के ज़माने में हुए थे उनके मुताबिक बीजापुर और गोलकुंडा के हुक्मरानों को वो मुगलिया सल्तनत के साथ ताउन के लिए राजी करें। और इस ताउन की ज़रूरत इस वजह कर थी कि शिवाजी से जंगें हो रही थी। अब इसमें दुश्वारी ये थी कि 1674 से 1680 का जो ज़माना है, यानी जब शिवाजी ने अपनी एक रियासत कायम कर ली थी, उस ज़माने में बीजापुर से औरंगजेब ये तवक्को रखता था कि बीजापुर का सुल्तान शिवाजी के खिलाफ मुग़लों का साथ देगा। मगर बीजापुर के सुल्तान की अपनी एक सोच थी
उसका मानना था और उसके हिसाब से सही मानना था कि जब तक औरंगजेब शिवाजी के साथ जंग में उलझा हुआ है वो बीजापुर पर हमला नहीं कर सकेगा। जब बीजापुर के जो हुक्मरान थे या जो सुल्तान था उसको मुगलों के सिलसिले में बड़ी बेएतमादी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि शाहजहां के ज़माने से ही फिर एक आपसी कश्मकश शुरू हो गई थी नजराने के सवाल पर। औरंगजेब ने बादशाह होने के पहले भी बीजापुर पर हमला किया था तो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट था। इसलिए बीजापुर का सुल्तान ये करता था कि औरंगजेब से वादा करता था कि वो उसकी मदद करेगा, उसके साथ तआवुन करेगा, और मदद करता था शिवाजी की ताकि वो औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़े। उसकी अपनी एक सोच थी। शुरू में औरंगजेब ने चाहा कि वो बीजापुर पर फतह कर ले और तब मराठों के साथ जंग जारी रखे, मगर राजा जयसिंह जिसने पुरंदर में शिवाजी के साथ माहिदा किया था उसका मानना था कि मराठों से उसी तरह मदद लेना मुनासिब होगी जैसे अकबर ने राजपूतों से मदद ली थी। तो ऐसी सूरत हाल में औरंगजेब फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसको मराठों से दोस्ती करके बीजापुर और गोलकुंडा को हराना है या बीजापुर और गोलकुंडा की मदद से मराठों को हराना है। और इसी तजब्जुब में दक्कन की हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में औरंगजेब इस नतीजे पर पहुंचा कि मराठों से जंग में कामयाबी उसे तभी मिलेगी जब बीजापुर और गोलकुंडा पर वो फतह हासिल कर लेगा। तो बीजापुर पर 1686 में और गोलकुंडा पर 1687 में औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर इसलिए हो चुकी थी कि शंभाजी की जिंदगी यानी शंभाजी को जब कत्ल किया गया 1681 में उसके बाद मराठों की बगावतें शुरू हो गई थी, हमने आपसे अभी कहा। और उस वक्त न बीजापुर का सुल्तान न गोलकुंडा का सुल्तान इस हैसियत में था कि वो इन बगावतों को या मराठों के साथ जो जंग चल रही थी उसको ख़त्म करने में औरंगजेब की कोई खातिर खाह मदद कर सकता। तो मामला उलझ कर रह गया और 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, दक्कन में ही उसकी मौत हुई, तो सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी थी और कोई अच्छी सूरत हाल दक्कन में नहीं थी। और दक्कन की इस खलफशार की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में भी मसले पैदा हो चुके थे और मुगलिया सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो ये औरंगजेब के ज़माने के अहम सियासी वाक़यात हैं। और जैसा कि आपने अभी गौर किया कि आपस की जो लड़ाइयाँ थीं, जो अंदरूनी बगावतें थीं, उन सब के वजह से ये मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी। अब इसी हवाले से हम लोग औरंगजेब की मजहबी पॉलिसी पर भी तवज्जो दें। हमने आपसे अभी कहा था कि एक ऐसा नज़रिया है जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो रिवायती फिक्र है, वो ये है कि औरंगजेब की मजहबी पॉलिसी की वजह करी ये बगावतें हुई। औरंगजेब ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी, जजिया जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया, हिंदुओं के त्यौहारों पर उसने पाबंदी लगा दी, उनके जो तालीमी अदारे थे, जो पाठशाला थी, उनको बंद करवा दिया, कई मंदिरों को उसने तोड़वा दिया, उसने हिंदुओं को बड़े ओहदों पर बहाल नहीं किया, जो हिंदू ताजर थे, ट्रेडर्स थे, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया बनिस्बत मुसलमानों के। तो ये जो एक मज़हब के बुनियाद पर उसने तफरीक की, डिस्क्रिमिनेट किया, उसकी वजह से हिंदुओं में काफ़ी एक तरह से रद्द अमल हुआ, काफ़ी उनके बीच में बेइत्मीनानी थी और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ ये बगावतें की। जो बात क्या इंटरप्रिटेशन है, जो लेटर ट्रेंड्स हैं, उसमें मज़हब के मामले को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, बल्कि ये कहा जाता है कि ये जो बगावतें हुई ये या तो फिनेंशियल यानी माशी या पॉलिटिकल यानी सियासी असबाब का नतीजा थी। ये कहा जाता है कि मुग़लों की जो हुकूमत थी वो मरकजी हुकूमत थी और ये जो बगावतें हो रही थी ये इलाकाई त
ताकतों की जो रीजनल फोर्सेस थे उनकी बगावतें थी, और ये मरकजी हुकूमत के तसल्लुत को, उसकी हेजमनी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जब तक मुगलिया सल्तनत मजबूत थी तो मरकज की जो एक हेजमनी थी, उसका जो तसल्लुत था वो बना रहा। अब इख्तदार की जंग जो शाहजहां के मरने के बाद हुई, खाना जंगी के बाद, मुगलिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी थी, इसलिए जो इलाकाई ताकतें थीं वो मरकजी हुकूमत को चैलेंज कर रही थी। अब इसकी मिसालें आप देखिए, बुंदेलों की बगावत हुई, बुंदेलों की बगावत शाहजहां के ज़माने में भी हुई थी, मगर शाहजहां के ज़माने में उनको कुचल दिया गया था, क्रश कर दिया गया, औरंगज़ेब के लिए मुश्किल हो गया, हुकूमत की जो बुनियादें थी वो कमज़ोर हो रही थी। अफगानों की जो बगावतें हैं वो अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक होती रहीं, लेकिन इस पूरे दौर में सभी मुग़ल बादशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, सब अफगानों की बगावत की सरकोबी करने में, उसको सप्रेस करने में कामयाब रहे। जो लड़ाई शिवाजी के साथ थी वो भी सियासी लड़ाई थी, बीजापुर और गोलकुंडा से जो जंग थी वो भी सियासी लड़ाई थी। अब इसमें मजहब का मामला इस हद तक ज़रूर था कि जिस तरह औरंगज़ेब ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जो मुसलमान थे, जो उमरा थे, दरबार में थे, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस्लाम को हर तरह से अपनी हुकूमत में राइज करना चाहता है, जो सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि वो एक दारुल इस्लाम बना देना चाहता था मुगलिया सल्तनत को, वैसे उनका ख्याल गलत है, लेकिन औरंगज़ेब ने मुसलमान नोबल्स को अपना हामी बनाने की कोशिश की। अब ये कोशिश बहुत दिनों से चल रही थी, अकबर के मरने के बाद ही जो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, वो अकबर की पॉलिसी की मुखालफत कर रहे थे। जहांगीर के ज़माने में हुई, शाहजहां के ज़माने में भी हुई, मंदिर शाहजहां के ज़माने में भी तोड़े गए, औरंगज़ेब के ज़माने में ये बातें अपने क्लाइमैक्स पर आ गई। तो एक तरफ ये मोबिलाइजेशन था, तो शिवाजी ने भी मोबिलाइज किया, उसने अपने को हिंदू धर्म और गौ यानी गाय काऊ और ब्राह्मणों का संरक्षण डिक्लेयर कर दिया। तो ये मजहब जो है वो दरअसल मोबिलाइजेशन का एक जरिया बन गया एक ऐसी जंग में जो सियासी लड़ाई थी। अब इस नुक्ते को जिन लोगों ने नहीं अहमियत दी वो औरंगज़ेब की मजहबी पॉलिसी से इन बगावतों को जोड़ते हैं। अच्छा, बगावतें और भी हैं, जो जाटों की बगावत है, सतनामियों की बगावत है, वो बुनियादी तौर पर किसानों की बगावत है, पेजेंट रिवोल्ट से, क्योंकि जैसे जैसे सल्तनत की माली हालत ख़राब हो रही थी तो टैक्सेशन बढ़ रहा था, और टैक्सेशन का बोझ, महसूल का बोझ किसानों पर बढ़ने लगा तो उन्होंने बगावत कर दी। अब मुग़लों का जो निज़ाम अराजी था या उनका लैंड रेवन्यू सिस्टम था, उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि ज़मींदार बहुत कलीदी हैसियत रखते थे, ज़मींदार ही किसानों से महसूल वसूलते थे और मुग़ल अफसरों को देते थे। तो जब तक मुग़ल अफसर ताकतवर हैसियत में थे तो ज़मींदार उनके साथ तआवुन करते रहे, नहीं करने पर उनकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाती। जहाँ कुछ बगावतें हुई थी वहाँ कुचल दिया गया था अकबर के ज़माने में। लेकिन अब मरकजी हुकूमत कमज़ोर हो गई, किसान बागी हो गए, तो ज़मींदारों को ये लगा कि अगर वो किसानों की क़्यादत अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो मरकजी हुकूमत से ज़्यादा अच्छे तौर पर जंग कर सकते हैं। अब ये ज़मींदार किसानों की तरफ हो गए तो बैलेंस जो था वो बदल गया, मरकजी हुकूमत का जो इख्तियार था, कंट्रोल था, वो और कमज़ोर पड़ गया। तो ये एक अलग पहलू था। राजपूतों की बगावत सियासी बगावत थी, मारवाड़ की गद्दी का सवाल था। सिखों के मामले में इतना ज़रूर है कि वहाँ मजहब का पहलू इसलिए था कि गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, और जिस तरह से उनको कत्ल किया गया वो एक गैर मुनासिब फैसला था। लेकिन इसको भी जहन में रखना है कि फिर गुरु गोविंद सिंह के साथ मुआहदा हो गया था, सुलह हो गई थी, तो लड़ाई सियासी लड़ाई थी। इसलिए जो बगावतें औरंगज़ेब के ज़माने में हुई वो या तो सियासी वजह से हुई, या उनके पीछे जो एक इकोनॉमिक अनरेस्ट था, जो माली बेइत्मीनानी थी, वो बुनियादी वजह थी। मज़हब का जो इसमें रोल है वो सेकेंडरी है, ज़िमनी है,
और ये महज एक तरह से महाधाराएं की एक मोबिलाइज करने की एक सूरत बन गई। तो ये जो नया इंटरप्रिटेशन है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी का हुआ है। तो दोनों तरह की बातें, एक हैं जिसमें औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी को ही सारी परेशानियों का सबब माना गया है, और एक है जिसमें कहा गया है कि नई परेशानियाँ बहुत सारी थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था, माली मसला था या क्राइसिस थी, और ऐसी हालत में हुकूमत का कमज़ोर हो जाना बहुत लाजमी था। एक और बड़ी बात यह भी थी कि मुगलिया सल्तनत बहुत वसी हो गई थी, और औरंगजेब के लिए इस पूरे इलाके पर आप गौर करें कि काबुल और कश्मीर से लेकर दक्कन के इलाके तक, यानी औरंगजेब की सल्तनत की जो आखिरी हद है वो आज के तमिलनाडु में जिंजी तक थी। तो इतनी बड़ी सल्तनत को अपने कब्जे में रखना, ऐसे कब्जे में जो बहुत मुस्तहकम हो, जो बहुत मौसर हो, वो ज़रा दुश्वार काम था। और वो भी इसलिए कि मरकजी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी थी, वो भी इसलिए कि बगावतें हो रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी सल्तनत को मुत्तहिद बनाए रखना मुश्किल था। हम लोगों ने पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की थी, आपको याद होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सामने भी ऐसा ही मसला रहा था, एक वसी सल्तनत, बगावतें, माली हालात का ख़राब होना और सल्तनत का बिखर जाना। इतना फ़र्क ज़रूर है औरंगज़ेब और मोहम्मद बिन तुगलक में कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने सल्तनत की हिफाजत नहीं कर सका, औरंगज़ेब ने मरते दम तक अपनी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत की। उसके मरने के बाद ही अलग अलग आज़ाद रियासतें कायम हो सकी, जाटों की, बुंदेलों की, सिखों की, राजपूतों के साथ भी कुछ लोग अलग हो गए, कुछ लोग साथ रहे, तो हालात बदलते रहे। मगर हाँ, इंतशार जो भी हुआ औरंगजेब के मरने के बाद, तो ये अहम बातें थी औरंगजेब के दौरे हुकूमत की अहम वाक़यात। अब हम लोग इस मौजू के आखिरी पहलू पर आए कि मुगलिया सल्तनत के जवाल के असबाब क्या थे, इसकी जिम्मेदारी किस पर थी या किन फैक्टर्स पर थी, कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिसकी वजह कर मुगलिया सल्तनत का जवाल हुआ। अब इसमें भी कई तरह के नुक्ते नज़र हैं, कई तरह की थ्योरीज हैं। सबसे पहले ये कहा गया या कहा मौरखों ने यह माना कि मुगलिया सल्तनत का जवाल इसलिए हुआ कि औरंगजेब के बाद जो मुग़ल बादशाह हुए वो कमज़ोर थे, उनमें तजुर्बा नहीं था, सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा, जल्दी जल्दी बादशाह बदलते रहे, अक्सर बादशाह अपने अमीरों के हाथों कत्ल हुए, तो मरकजी हुकूमत कमज़ोर हो गई थी। बादशाह जो थे वो अमीरों के जो नोबल्स थे, जो उमरा थे, उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, पपेट किंग्स थे। दूसरी बात ये हुई कि जब अमीरों का, नोबल्स का असर बढ़ा तो बादशाह भी हुकूमत करने की जगह ऐशो आराम में डूब गए। मुग़ल दरबार का जो एक डिसिप्लिन था, जो एक मॉरल कैरेक्टर था बादशाहों का, वो बहुत बदल गया। अब नाच गाना, शराब की महफिलें आम हो गई, अमीरों में आपस में कश्मकश होने लगी, तो बहुत सारे अमीर जो थे उन्होंने अपनी अलग सल्तनतें कायम कर ली। बंगाल में मुर्शिद कुली खां अलग हो गया, दक्कन में निज़ामुल मुल्क अलग हो गया, अवध में आसफ़उद्दौला ने अलग अपनी हुकूमत कायम कर ली, मराठे तो पहले ही आज़ाद हो चुके थे, और भी जो छोटे छोटे राजा थे वो आज़ाद हो गए, तो सल्तनत का इंतशार हो गया। ये भी कहा जाता है इसी नज़रिए के तहत कि मुग़लों की जो फौजी ताकत थी या जो उनका मिलिट्री सिस्टम था, जो उनका फौजी नज़्म था, वो कमज़ोर था। इस माने कर कमज़ोर था कि उनके पास बहरिया थी ही नहीं, नेवी नहीं थी, और नेवी ना होने की वजह से यूरोप से जो ट्रेडिंग कंपनी, जो तजारती कंपनियां आ रही थी, डच कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी कार्रवाइयों पर मुग़ल रोक नहीं लगा सके। फ्रेंच तो बहुत
कमज़ोर थे। डच लोगों ने अंग्रेज़ों से आपसी सबकत के लिए मुकाबला किया मगर वो भी हार गए, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी बनकर उभरी। तिजारत के साथ साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी सियासत में भी हुई। 18वीं सदी के तकरीबन वस्त में 3 बड़ी लड़ाइयाँ कर्नाटक में लड़ी गईं, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के नाम से जानी जाती हैं, और इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी। तो अब वो सियासी जो उनकी एक ख्वाहिश थी, जो उनका एम्बिशन था, वो भी बढ़ा, और इसको लेकर बंगाल के नवाब से उनकी लड़ाई हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ जीत गए, और उसके बाद हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत का क़याम शुरू हो गया। तो ये सब एक नज़रिया रहा था, लेकिन इसकी अब तर्दीद की जाती है इस माने कर कि मुग़ल दरबार में शुरू से भी, अकबर के ज़माने में भी, बाबर के ज़माने में भी, ऐसा नहीं था कि सारे लोग बड़े मॉरल कंडक्ट वाले थे। सभी शराब पीते थे, सभी के ज़माने में ये ऐशो आराम का माहौल था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि पहले ऐशो आराम, ऐशो इशरत के साथ इंतजामी उमूर पर भी कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल ख़त्म हो गया, और इसलिए ख़त्म हो गया कि अमीरों में एक बगावत का जज्बा आ गया, और अमीरों में बगावत का जज्बा इसलिए आया कि जैसे जैसे मुगलिया सल्तनत में खलफशार फैला तो जागीरों का मसला आ गया। जागीरों पर हम अगले सेशन में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जागीरों के ज़रिए से जो मुग़ल उमरा थे, जिनको जागीरदार भी कहते थे, उनको उनकी तनख्वाह मिलती थी। अब जागीरों की आमदनी घटने लगी, बगावत हो रही थी, खेती पर उसका असर पड़ रहा था, ज़मीन की जो जरखेज़ी थी, जो फर्टिलिटी थी, वो कम होती जा रही थी। तो जो जागीरदार थे उन्होंने लगान का बोझ बढ़ा दिया, अभी आपसे हम कह रहे थे लगान का बोझ बढ़ा तो किसानों ने बगावत कर दी, किसानों ने बगावत कर दी तो ज़मींदार बागी हो गए। तो सारा मसला इसलिए हुआ कि जागीरदारी का जो सिस्टम था वो एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था। अब इस जागीरदारी क्राइसिस को सतीश चंद्र ने एक मैनेजरियल क्राइसिस कहा है, यानी जितने उमरा थे उनके बीच जागीरों की मुनासिब तकसीम नहीं हो रही थी, अमीरों की तादाद बढ़ गई थी, जागीरों का इलाका महदूद था। इरफान हबीब ने जागीरदारी क्राइसिस को एक इकोनॉमिक क्राइसिस का नाम दिया है, एग्रेरियन क्राइसिस, और उनका कहना है कि ज़रात में, खेती में जो कमी होती जा रही थी और उसकी वजह से जागीरों की आमदनी जो घट रही थी और उसकी वजह से जो सारी परेशानियां हो रही थी, वो बेसिकली एक फिनेंशियल क्राइसिस था। लेकिन अब इसका इंटरप्रिटेशन जो हम करें, ये तय है कि दोनों बड़े मौरखीन ने इस बात पर इत्तेफाक राय जाहिर किया है कि जागीरदारी का जो मसला था, जो जागीरदारी क्राइसिस था, वो मुग़ल सल्तनत की कमजोरी का या इस दौर में उसके इंतशार का बुनियादी सबब था। तो ये दूसरा व्यू था। तीसरा व्यू औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के हवाले से था। इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं कि क्या बातें कही गई हैं इस हवाले से कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी की वजह से बगावतें हुई और सल्तनत का इंतशार हो गया, और क्या बातें कही गई हैं कि ये मजहबी मामले से कहीं ज़्यादा सियासी और माशी मामला था, उस पर हम लोग गौर कर चुके हैं। एक और बात इस दरमियान ये भी कही गई कि मुगलिया सल्तनत का जवाल दरअसल तकनीक के मामले में किसी तरह की तरक्की के ना होने का नतीजा था, यानी टेक्नोलॉजी का मुनासिब डेवलपमेंट नहीं हो सका, जिसको कुछ लोग कल्चरल लैग का भी नाम देते हैं। अब कल्चरल लैग ये था कि यूरोप में 15वीं सदी के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत तेज़ी से तरक्की हुई थी, और उसकी वजह से यूरोप की फौजें भी काफ़ी अच्छे हथियार के साथ मुसल्लह थीं, उनके पास बहुत अच्छी नेवी या बहरिया थी, और वो दुनिया को फतह करने की गरज से आगे बढ़ाए थे, एडवांस कर रहे थे। उनका सामना करना एशिया की जो सल्तनतें थीं, बड़ी अजीम सल्तनतें थीं, उनके लिए मुमकिन नहीं था।
अब हम देखते हैं कि जिस जमाने में मुगलिया सल्तनत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, उसी जमाने में ईरान पर भी, जो सफवी सल्तनत थी, उस पर भी अंग्रेजों और रूस ने कब्जा कर लिया। थोड़ा फर्क है कब्जे की नौयत में, लेकिन कब्जा तो कर लिया। तुर्की की जो इतनी बड़ी उस्मानिया सल्तनत थी, जो यूरोप से एशिया तक फैली हुई थी, उस पर भी अंग्रेज और रशियंस और ऑस्ट्रिया हंगरी के जो हुक्मरान थे, वो कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, और ऑटोमन सल्तनत जो थी वो अपना दिफा करने से बिल्कुल मजबूर थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। उसको उस जमाने में सिक मैन ऑफ यूरोप या यूरोप का मरीज कहते थे। तो चाहे वो उस्मानिया सल्तनत हो, चाहे वो सफवी सल्तनत हो, या मुगलिया सल्तनत हो, या फिर वस्त एशिया में जो उज़्बेक सल्तनत थी, उस पर रूसियों ने कब्जा कर लिया, ज़ार ने कब्जा कर लिया। फिर आप देखिएगा कि चीन में अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो जितनी भी एशियाई सल्तनतें थी, वो इस ज़माने में बिखर रही थी, क्योंकि उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो असलहा नहीं था, वो मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी, और उनकी जो इकॉनमी थी, जो उनकी मईशत थी, उसकी भी तरक्की करने की बेहतर सूरतें उस ज़माने में नहीं थी। तो ये बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम्स की लड़ाई थी, दो अलग अलग निज़ाम थे जिनका आपस में एक मुकाबला हुआ था, और इसमें जो बेहतर निज़ाम था, जो ज़्यादा मजबूत निज़ाम था, उसका जीत जाना कोई हैरत की बात नहीं थी। तो ये मुगलिया सल्तनत का इंतशार दरअसल कल्चरल लैग का नतीजा था। और फिर एक बात ये भी कही जाती है कि हिंदुस्तान में और भी जगह पर एक ऐसा सिलसिला रहा है तारीख में कि हुकूमतें, बड़ी सल्तनतें कायम होती हैं और बिखर जाती हैं, क्योंकि बराबर जो मरकजी हुकूमत है और जो इलाकाई ताकतें हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं, उनमें तनाज़ा चलता रहता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्सेज मजबूत हो जाते हैं, मरकजी हुकूमत मजबूत हो जाती है, तो बड़ी सल्तनतें कायम हो जाती हैं। जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कमज़ोर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, इलाकाई ताकतें बढ़ जाती हैं, तो फिर सल्तनतें बिखर जाती हैं। यही अमल मुगलिया सल्तनत के साथ भी हुआ। तो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, वजाहतें हैं मुगलिया सल्तनत के जवाब के लिए। हमने इन सब के बारे में आपको एक बुनियादी खाका दिया, एक बेसिक आपको आउटलाइन हमने दे दिया। आप जब अपना स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा बेहतर मालूमात हासिल होंगी, और ज़्यादा तफसीलें हासिल होंगी। और मुझे यकीन है कि इस पस मंज़र में जो तीन बातें हमने आज आपसे कही, शाहजहाँ के अहद हुकूमत के बारे में, औरंगज़ेब के अहद हुकूमत के बारे में, और फिर मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बारे में, तो इन तीनों नुकात पर हम लोगों ने आज गौर किया। और हम समझते हैं कि इससे आपको एक ऐसी समझ बनी होगी जिससे आप इस दौर के तारीख को, इस दौर के सियासी वाक़यात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और यहाँ एक बड़ा हिस्सा हमारे कोर्स का पूरा हो जाता है, मिडिवल इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है। और इसके बाद अगले क्लास में हम आपके साथ जब बात करेंगे, तो मुगलिया दौर में भी और दिल्ली सल्तनत के दौर में भी, यानी पूरे अहद वस्ता के दौर में, क्या इंतज़ामी उमूर रहे थे, इंतज़ामिया की क्या शक्ल रही थी, इसके बारे में आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी सियासी पस मंज़र में हम ये समझने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अहद वस्ता में इंतज़ामी उमूर कैसे थे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।